हाय गाइस, कैसे हैं आप? आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ये सीए फाइनल प्लस सीएस फाइनल प्लस सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे टॉपिक का नाम है डायरेक्टर। ये जो टॉपिक मैंने बनाया है, ये टॉपिक कुछ फास्ट ट्रैक पे होगा, ये क्योंकि एग्ज़ाम बच्चों के आधे आधे सीए फाइनल जो मई का एग्ज़ाम है और सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस फाइनल जो है वो जून का एग्ज़ाम है, तो उसके अकॉर्डिंग बनाया है। तो ये एक फास्ट ट्रैक टॉपिक है, तो मैं से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले है कुछ डेफिनेशंस हैं इसकी। और डेफिनेशंस क्या है? डायरेक्टर्स की है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, केएमपी की है, प्रमोटर की है, ऑफिसर की है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट की है। तो आपको पता है कि कंपनी की मैनेजमेंट में कंपनी के डायरेक्टर्स का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि मैनेजमेंट ही बोर्ड होता है। तो बोर्ड ने कंपनी को मैनेज करना है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है किसी कंपनी में वो तो किसका होता है? बोर्ड का। क्योंकि बोर्ड जो है वो ट्रस्टी है शेयर होल्डर्स के पैसे का, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने मैनेजमेंट पे यानी कि डायरेक्टर्स पे विश्वास करके उनको पैसा दिया हुआ है। तो कंपनी के बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू लुक आफ्टर दैट मनी, टू इन्वेस्ट दैट मनी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस या अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है सेक्शन 2 क्लोज। सेक्शन 2 क्लोज 10, यह बोर्ड की डेफिनेशन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो आपने याद रखना है कि पूरे कंपनी लॉ में कहीं भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड लिखा होगा, तो मतलब क्या है कि जो डायरेक्टर्स की कलेक्टिव बॉडी है, डायरेक्टर्स की कलेक्टिव बॉडी है, उसे क्या बोलना है हमने? बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि कंपनी के 5 डायरेक्टर्स हैं, पांचों डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? बोर्ड। नेक्स्ट है होल टाइम डायरेक्टर। अब होल टाइम डायरेक्टर क्या है? एक ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी की होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, उसे हम क्या बोलेंगे? होल टाइम डायरेक्टर। आपको ये याद रखना है कि कंपनी लॉ में क्या है, होल टाइम डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक ही चीज है। तो आप देख लीजिए सेक्शन 2 क्लोज 94 में क्या लिखा हुआ है, होल टाइम डायरेक्टर मीन्स आर डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का एक ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी की होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, उसे हम क्या बोलेंगे? होल टाइम डायरेक्टर। उसके अलावा क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये भी क्या है? मीन्स ए होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है जी। तो रूल 2 क्लोज के कंपनी स्पेसिफिकेशन और डेफिनेशन रूल 2014 में साफ साफ लिख रखा है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? होल टाइम डायरेक्टर को ही हम क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और होल टाइम डायरेक्टर क्या है? एनी डायरेक्टर हु इज इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। उसके आगे चलिए, सीईओ कौन है? कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो कौन है? कंपनी का कोई भी ऑफिसर हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज सच बाय इट। तो कंपनी ने जिस व्यक्ति को डेजिग्नेट कर रखा है कि हमारी कंपनी का सीईओ है, तो वही का बंदा क्या है? कंपनी का सीईओ है। ऐसे सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो कंपनी ने जिसे एज ए सीएफओ अपॉइंट कर रखा है, तो वो क्या है? सीएफओ। तो सिंपल है, जिसे एज ए सीईओ डेजिग्नेट कर रखा है वो सीईओ है, जिसे एज ए सीएफओ अपॉइंट कर रखा है वो सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। आगे ये काफ़ी रिलेवेंट आपके लिए, सेक्शन 2 क्लोज 34 डायरेक्टर मीन्स, ध्यान रखना मीन्स लिखा है यहाँ पे, मीन्स ए डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आप समझ गए होंगे, तो जिसे एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है वही डायरेक्टर और कोई नहीं है। अब मान लीजिए एक बंदा सारे वो काम कर रहा है जो एक डायरेक्टर करता है, पर उसे हम डायरेक्टर नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो साफ साफ कह रहा है कि डायरेक्टर हम उसे ही मानेंगे जिसे एज ए डायरेक्टर कंपनी ने अपॉइंट किया हुआ है। तो एक व्यक्ति जो डायरेक्टर वाले काम कर रहा है, सारे मैनेजमेंट संभाल रहा है, काम वही कर रहा है जो डायरेक्टर के होते हैं, पर उसे हम डायरेक्टर नहीं मानेंगे, क्योंकि कंपनी लॉ में साफ साफ लिखा है कि डायरेक्टर हम उसे ही मानेंगे जिसे एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। फिर इसके बाद है केएमपी की डेफिनेशन है, की मैनेजरियल पर्सन। इसमें क्या है, 6 लोग बताए गए हैं, उसके अलावा कहते हैं कि एनी अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब बोले तो बाय रूल्स, प्रिस्क्राइब बोले तो बाय रूल्स, बाय रूल द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है और कोई व्यक्ति भी। तो अब तक तो क्या है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या एमडी या मैनेजर, या मैनेजर और कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ, एनी अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो कौन कौन लोग हो गए? एक कंपनी का हो गया सीईओ और
एमडी, मैनेजर, ठीक है जी, सीएस होल टाइम डायरेक्टर एंड सीएफओ, सीईओ, एमडी, मैनेजर, सीएस होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ, ये सभी कौन है? केएमपी, की मैनेजरियल पर्सन। अब उनको किन किन इनमें से किन किन लोगों को अपॉइंट करना है या नहीं करना, ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 203 में, 203 में लिखा हुआ है ये। फिर आगे चलते हैं हम, आगे जो डेफिनेशन है वो किसकी है? वो है एमडी की। पहले हम कवर करते हैं डेफिनेशन एमडी की। ये कहते हैं कि एमडी कौन है, सेक्शन 2 क्लोज 45 में, 44 में, 54 में दे रखा है, सेक्शन 2 क्लोज 54 में एमडी। एमडी याद रखना है कि एमडी एक डायरेक्टर होता है। एमडी क्या है? एक कंपनी का डायरेक्टर, जिसके पास क्या है? कंपनी के अफेयर्स के जो सब्सटेंशियल कंट्रोल है वो है, कंपनी के अफेयर्स पे सब्सटेंशियल कंट्रोल है, उसे हम क्या बोलेंगे? एमडी। एक व्यक्ति जिसके पास क्या है? कंपनी के अफेयर्स का सब्सटेंशियल कंट्रोल है, उसे हम क्या बोलेंगे? एमडी। और याद रखना एमडी मीन्स है डायरेक्टर। तो पहली बात तो ये है कि एक डायरेक्टर ही क्या बन सकता है? एमडी बन सकता है। एक डायरेक्टर ही एमडी बन सकता है, इसका मतलब क्या बना? अगर एक व्यक्ति क्या है, अगर सेक्शन 164 में अगर डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, एक व्यक्ति क्या है कि सेक्शन 164 में डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, तो वो व्यक्ति क्या है कि एमडी नहीं बन सकता, क्योंकि जो बंदा डायरेक्टर ही नहीं बन सकता वो एमडी तो नहीं बन सकता बिल्कुल भी। तो एमडी मीन्स ए डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ हु, बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी और एन एग्रीमेंट विद द कंपनी और ए रेजोल्यूशन पास्ड इन इट्स जीएम और बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज इंटरेस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स ए डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजिशन ऑफ एमडी बाय वट एवर नेम कॉल्ड। तो एमडी के पास ये पावर आ कैसे रही है, तो हम इसको देख लेते हैं कि एक तो पहले कि एमडी मस्ट बी अ डायरेक्टर फर्स्ट। तो एमडी बनने के लिए डायरेक्टर होना पड़ेगा पहले। अगर एक व्यक्ति 164 में डायरेक्टरशिप से डिस्क्वालीफाइड हो जाता है तो बंदा वो एमडी भी नहीं बन सकता। इट मीन्स दैट बिफोर बिकमिंग अपॉइंटेड एज एमडी सच पर्सन मस्ट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर फर्स्ट। तो एमडी बनने से पहले क्या है कि डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। उसके अलावा क्या है कि किस प्रकार से एमडी के पास सब्सटेंशियल पावर्स आएंगी? एक आर्टिकल्स द्वारा, बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, या फिर एन एग्रीमेंट विद द कंपनी, कंपनी के साथ उसका एग्रीमेंट हो गया है, या जीएमए को रेजोल्यूशन पास किया गया, उस रेजोल्यूशन द्वारा उसको एमडी को ये पावर दे रखी है कि आपके पास क्या है? सब्सटेंशियल पावर्स हैं। उसके अलावा बोर्ड ने पावर दे रखी है, तो आर्टिकल द्वारा, बोर्ड द्वारा, या मेंबर्स द्वारा, या कोई कंपनी ने एग्रीमेंट कर लिया किसी व्यक्ति के साथ, उसे डायरेक्टर बना दिया और साथ में एमडी बना दिया कि आपको हम सब्सटेंशियल पावर्स दे रहे हैं। फिर साथ में लिखा था एंड इंक्लूड्स ए डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ एन एमडी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। तो एक व्यक्ति जो एमडी की पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, उसे हम एमडी बोलते हैं या नहीं बोलते? एमडी हम उसे बोलते हैं या नहीं बोलते? बट इवन देन वो क्या है? एमडी मान लिया जाएगा। क्यों? ये डेफिनेशन एक्सटेंडेड है। लिखा क्या है? एमडी में वो बंदा भी आ जाएगा जो क्या है कि एमडी की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है, बेशक हम उसे एमडी बोलते हैं या नहीं बोलते, लिखा है ना कोमा डाल के, बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड, बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड, तो उसे हम एमडी मान लेंगे जो बंदा एमडी की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि जिस व्यक्ति के पास सब्सटेंशियल पावर्स हैं कंपनी की, उसे क्या बोलेंगे? एमडी। फिर साथ में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, फिर कहते हैं कि जो छिटपुट पावर्स हैं, जो छिटपुट पावर्स हैं उससे कोई व्यक्ति एमडी नहीं बन जाता। अब वो छिटपुट पावर्स कौन सी हैं? भी कहते हैं कि द पावर टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स ऑफ ए रूटीन नेचर, जो प्रबंधकीय कार्य हैं परंतु जो दिन प्रतिदिन के कार्य हैं, रूटीन के कार्य हैं, जैसे कि व्हेन सो ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड सच एज, जैसे कि पावर टू अफिक्स कॉमन सील ऑफ द कंपनी टू एनी डॉक्यूमेंट, या फिर टू ड्रॉ एंड एंडोर्स एनी चेक ऑन अकाउंट ऑफ द कंपनी, तो कॉमन सील लगाने की पावर, या फिर क्या है चेक एंडोर्स करने की पावर, या कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो बीआर वगैरह हो गया उसको ड्रॉ करने की पावर या एंडोर्स करने की पावर, या कोई सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स, शेयर सर्टिफिकेट साइन करने की पावर, या टू डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर्स। इन चीज़ों से कोई बंदा एमडी नहीं बन जाता। कैसे? कॉमन सील लगाने की पावर दे दी, चेक ड्रॉ करने की पावर दे दी,
चेक एंडोर्स करने की पावर्स दे दी, बीआर ड्रॉ करने की पावर्स दे दी, बीआर एंडोर्स करने की पावर्स दे दी। तो ये रूटीन नेचर की कार्य हैं, ये रूटीन नेचर की प्रबंधकीय कार्य हैं। इन कार्यों से कोई व्यक्ति क्या है एमडी नहीं बन जाता, इन्हें सब्सटेंशियल पावर्स में नहीं माना जाएगा। तो एमडी में कुल मिला के क्या निकला, एक व्यक्ति जिसके पास क्या है सब्सटेंशियल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी है प्लस वो डायरेक्टर है, उसे हम क्या मान लेंगे एमडी। और एमडी के पास ये पावर आ कैसे कैसे सकती हैं, या तो कंपनी ने आर्टिकल्स में लिख दिया कि हमें इस हमारे एमडी के पास ये पावर होंगी और हम इस बंदे को ये पावर दे रहे हैं, या कंपनी का उस बंदे के साथ एग्रीमेंट हो गया, या बीएड पास कर लिया गया, या जीएमए रेजोल्यूशन पास करके उस बंदे को ये पावर दे दी गई। इस प्रकार से वो व्यक्ति क्या है एमडी बन सकता है। फिर चलिए उसके बाद है मैनेजर। तो मैनेजर क्या है, एक इंडिविजुअल। यहाँ आपको याद रखना है कि एमडी होने के लिए पहले डायरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो बिना डायरेक्टर बने कोई व्यक्ति एमडी नहीं बन सकता, परंतु मैनेजर बनने के लिए किसी व्यक्ति को डायरेक्टर होने की आवश्यकता नहीं है। तो जो मैनेजर है वो हो सकता है कि डायरेक्टर हो या ना हो, पर एमडी तो पहले क्या है डायरेक्टर होगा फिर एमडी बनेगा। अगर एक व्यक्ति को एमडी बनाया गया जो कंपनी का पहले डायरेक्टर था, अगर वो व्यक्ति 164 में डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, यानी डायरेक्टरशिप उसकी चली जाती है, तो एमडीशिप उसकी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ये आपको याद रखना है। अब मैनेजर में क्या कहते हैं, मैनेजर में कहते हैं कि मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल हु सब्जेक्ट टू सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड हैज द मैनेजमेंट ऑफ होल और सब्सटेंशली द होल। एमडी में फर्क क्या आ रहा है, एमडी में था सब्सटेंशियल पावर्स, यहां पे क्या है होल या सब्सटेंशली द होल, सारी की सारी या सब्सटेंशली सारी की सारी पावर्स इसके हाथ में है। एंड इंक्लूड्स, ये वही वर्डिंग आ गई, इंक्लूड्स ए डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन, यानी जरूरी नहीं कि डायरेक्टर होगा वो, और डायरेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजिशन ऑफ ए मैनेजर, ऑक्यूपाइंग द पोजिशन ऑफ ए मैनेजर बाय वट एवर नेम कॉल्ड वेदर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और नॉट। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। कैसे, कि मैनेजर जो है वो एक इंडिविजुअल है, हो सकता है कि वो व्यक्ति डायरेक्टर हो सकता है ना हो। बात ये याद रखनी है कि उसका सारा का सारा कंट्रोल है कंपनी के अफेयर्स के ऊपर, या सब्सटेंशली सारा का सारा कंट्रोल है, परंतु वो व्यक्ति काम किसके अंडर करेगा, सब्जेक्ट टू सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द बोर्ड। ये आपको याद रखना है अच्छे से। तो चलिए आइए थोड़ा डिफरेंस देखते हैं इसका, कि एमडी और मैनेजर में क्या अंतर है। एक तो वो हमने बता दिया कि एमडी तो पहले डायरेक्टर होना चाहिए, बिना डायरेक्टर बने कोई व्यक्ति एमडी नहीं हो सकता, और जो मैनेजर है मे और मे नॉट बी ए डायरेक्टर, वो हो सकता है कि डायरेक्टर हो सकता है ना हो। और जो एमडी है उसके पास सब्सटेंशियल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी है, परंतु जो मैनेजर है उसे सारा का सारा या सब्सटेंशली सारा का सारा कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी है। अब आगे चलते हैं, आगे डेफिनेशन है ऑफिसर की, सेक्शन 2 क्लॉज 59। तो ऑफिसर क्या है, ऑफिसर इंक्लूड्स, ऑफिसर जहां जहां कंपनी लॉ में ऑफिसर लिखा होगा, अब दो शब्द आपको बार बार मिलेंगे पढ़ने को, ऑफिसर, एक ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। तो पहले करते हैं हम ऑफिसर, ऑफिसर इंक्लूड्स, ऑफिसर में ये भी आते हैं एनी डायरेक्टर मैनेजर या केएमपी या एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एनी वन और मोर ऑफ डायरेक्टर्स इज अकस्टम टू एक्ट। यानी तो डायरेक्टर आ गया और दूसरा मैनेजर आ गया, केएमपी आ गया, डायरेक्टर मैनेजर केएमपी और कोई और व्यक्ति जिसके कहने पर बोर्ड या कंपनी का कोई एक या एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स उसके इशारे पे नाचता है। तो कौन कौन आया, डायरेक्टर मैनेजर केएमपी या कोई अन्य व्यक्ति जिसके कहने पे कंपनी का बोर्ड या कंपनी का कोई डायरेक्टर या डायरेक्टर्स अकस्टम टू एक्ट हैं। अब मान लीजिए एक प्रोफेशनल बंदा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है या लॉयर है, वो कंपनी को एडवाइस करता है, बोर्ड उसकी सारी बातें मानता है क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा बंदा है, पूरी नॉलेज है उसे इंडस्ट्री की, मान लीजिए उसे, तो बोर्ड उसकी बातों को सुनता है, उसकी बातों पे अमल करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो ये बंदे को हम ऑफिसर नहीं मानेंगे, इन बंदों को हम क्या है कि ऑफिसर नहीं मानेंगे, इन व्यक्तियों को क्या है कि हम ऑफिसर नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि वो बंदे अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं और अपने पैसे चार्ज कर रहे हैं।
फिर आगे चलते हैं ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट सेक्शन 2 क्लोज 60। ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट क्या होता है ये आपको ध्यान से समझना है, ये सीएस एग्जीक्यूटिव में दो बार आ भी चुका है और नहीं भी आया होता तब भी क्या है कि शब्द का प्रयोग जगह जगह पे कंपनी लॉ में जगह जगह पे होता है, कहीं भी कोई डिफॉल्ट होता है तो ये शब्द आ ही जाता है कि एन ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। तो चलते हैं, भी साफ साफ उसने लिख दिया ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट फॉर द पर्पस ऑफ एनी प्रोविजन इन दिस एक्ट, इस एक्ट में कोई भी प्रोविजन में ये बात लिखी गई है एन ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू एनी पेनल्टी और पनिशमेंट बाय वे ऑफ इम्प्रिजनमेंट फाइन और अदरवाइज। तो समझ लेना मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर ऑफ द कंपनी, तो यानी समझ लेना कि इन नीचे लिखे गए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कम से कम तो होगा। तो पढ़ते हैं आगे, ये कहते हैं कि होल टाइम डायरेक्टर, तो जहाँ पे डिफॉल्ट होगा वहाँ पे होल टाइम डायरेक्टर को पकड़ लेंगे हम, एक केएमपी और जहाँ पे कंपनी का कोई केएमपी नहीं है, कोई भी केएमपी नहीं है तो वो डायरेक्टर या डायरेक्टर जिसे बोर्ड ने स्पेसिफाई कर रखा है कि कल को कोई दिक्कत आई, कल को कोई पंगा पड़ा तो यही बलि का बकरा है, तो कोई भी ऐसा डायरेक्टर या डायरेक्टर्स जिसको बोर्ड ने स्पेसिफाई कर रखा है कि कल को कोई भी वायलेशन हुई तो ये बंदे लायबल होंगे और उन बंदों ने अपनी कंसेंट दे रखी है, हाँ जी हम जिम्मेवार हैं कल को दिक्कत आई तो हम लायबल होंगे। तो उसके बाद है एनी पर्सन हु अंडर द इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड और एनी के एम पी इज चार्ज विद एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग मेंटेनेंस फाइलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे बोर्ड ने या के एम पी ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करने की, मान लो कंपनी ने किसी सी ए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि अकाउंट्स उन्हें मेंटेन करने हैं, तो कल को अकाउंट्स की प्रोविजन की वायलेशन होती है तो जिम्मेवार कौन है, वो सी ए। फिर आगे चलते हैं, एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन, जो बोर्ड है कंपनी का वो उसकी बात सुनता है, परंतु सेम वही बात जो बंदा अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में बोर्ड को एडवाइस करता है और बोर्ड उसके एडवाइस को मानता है तो उस व्यक्ति को क्या है कि हम ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। फिर आगे कहते हैं कि कहीं भी किसी भी डायरेक्टर की अवेयरनेस के साथ, मिली भगत के साथ या उसकी अवेयरनेस के साथ कोई वायलेशन होती है तो व्यक्ति वह वो डायरेक्टर जो इस बात से अवेयर था, उसको इस बात का पता था या शामिल था अपराध में, तो वो डायरेक्टर भी इसमें लायबल हो जाएगा। फिर कहते हैं कि जहाँ पे बात हो रही है इशू और ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो शेयर ट्रांसफर एजेंट रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड मर्चेंट बैंकर टू एन इशू वो भी लायबल हो जाएंगे। तो चलिए इसको एक बार फिर देख लेते हैं कि कहते हैं कि लायबल कौन कौन व्यक्ति होंगे, ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट किसे मानेंगे हम, हु इज इन डिफॉल्ट, एक साफ साफ कहेंगे कि कौन बंदा होल टाइम डायरेक्टर और बताइए केएमपी, और जहाँ पे कंपनी का कोई केएमपी नहीं है वहाँ पे हर एक वो डायरेक्टर जिसने अपनी जिसको बोर्ड ने स्पेसिफाई कर रखा है कि हाँ कि कल को कोई दिक्कत आई तो ये बंदा लायबल होगा, प्लस इस बंदे ने अपनी कंसेंट जो है वो बोर्ड को दे रखी है, ठीक है जी मैं तो लायबल होऊंगा कल को कोई दिक्कत आई। फिर कहते हैं कि आगे अगर बात हो रही है कोई अकाउंट्स मेंटेन करने की, बात हो रही है अगर कोई अकाउंट्स मेंटेन करने की तो बोर्ड ने या केएमपी ने इसका जिम्मा लगा रखा था किसी एक मिस्टर ए का और जिसने मंजूरी दे रखी है ये हाँ जी भैया मैं मेंटेन करूँगा तो ये बंदा लायबल हो जाएगा कल को। उसके बाद आ गया वो बंदा जिसके कहने पे बोर्ड काम करता है तो बंदा भी क्या मान लिया जाएगा ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, परंतु अगर वो व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस करता है तो नहीं मानेंगे हम। फिर आया बात हो रही है कि अगर कंपनी में कुछ वायलेशंस होती हैं तो एक डायरेक्टर की मंजूरी के साथ या उसकी अवेयरनेस के साथ उसकी मिली भगत के साथ पर वायलेशन हुई तो वो बंदा लायबल है। लास्ट में है कि जहाँ पर शेयर की ट्रांसफर का मुद्दा है तो शेयर ट्रांसफर एजेंट भी साथ में लायबल हो जाएगा या मर्चेंट बैंकर भी लायबल हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। एक डेफिनेशन है प्रमोटर की, एक क्या डेफिनेशन किसकी है प्रमोटर की है, तो प्रमोटर बड़ा सिंपल है इसमें मींस कि जिस व्यक्ति को एनुअल रिटर्न में या प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया हुआ है कि ये प्रमोटर है, या सेम वही
जिसके पास सब्सटैंशियल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी है, या जिसके कहने पे बोर्ड काम करता है। दोबारा से देख लो, ये कहते हैं कि जो बंदा प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में आइडेंटिफाई किया गया है कि हाँ ये प्रमोटर है, बताया गया कि प्रमोटर है, किसमें? एनुअल रिटर्न या प्रोस्पेक्टस में। उसके अलावा कहते हैं कि जिसके पास कंट्रोल है कंपनी के अफेयर्स का, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बेशक शेयर होल्डर होने के नाते, बेशक डायरेक्टर होने के नाते, या किसी और तरीके से, डायरेक्टर या शेयर होल्डर या किसी और ढंग से किसी व्यक्ति के पास कंपनी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सब्सटैंशियल कंट्रोल है, तो उसे हम क्या मान लेंगे? प्रमोटर। उसके अतिरिक्त क्या है? सेम वही, जिसके कहने पे बोर्ड काम करता है, परंतु जो बंदा कंपनी को प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस करता है, वो बंदा क्या है? प्रमोटर नहीं माना जाएगा। फिर चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद तो ये हुआ हमारा बेसिक्स कवर। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ 10 सेकंड के अंदर अंदर। डायरेक्टर, जिसे अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर केएमपी में, सीईओ, एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, सीएस, सीएफओ, और प्रमोटर में जिसे एनुअल रिटर्न में या प्रोस्पेक्टस में आइडेंटिफाई किया गया, या सब्सटैंशियल कंट्रोल है जिसके पास, जिसके कहने पर बोर्ड काम करता है। ऑफिसर में क्या आ गया? डायरेक्टर आ गया, मैनेजर आ गया, डायरेक्टर आ गया, मैनेजर आ गया, केएमपी आ गया, और ऑफिसर उस डिफॉल्ट हमने अभी कर लिया। फिर आगे चलते हैं जी, सबसे मेन स्टार्ट हो रहा है टॉपिक हमारा, पी सेक्शन 149, सेक्शन क्या है 149। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, दिन के बारे में बता दूं। अगर कोई बंदा डायरेक्टर बनना चाहता है, अगर बंदा डायरेक्टर बनना चाहता है, तो उसे कंपनी में क्या चाहिए? उसे कंपनी में चाहिए दिन। तो पहले उसे दिन अलॉट होगा, अलॉटमेंट ऑफ दिन। बिना दिन अलॉट हुए कोई व्यक्ति डायरेक्टर नहीं बन सकता। फिर आपको याद रखना है कि दिन क्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर याद रखना है कि इसकी वैलिडिटी क्या है। इसकी जो वैलिडिटी है वो है जी लाइफ टाइम। वो क्या है? लाइफ टाइम। दिन की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। बिना दिन अलॉट हुए कोई व्यक्ति डायरेक्टर बन नहीं सकता। उसके अलावा जो फॉरेन कंपनीज हैं उसके डायरेक्टर्स को दिन नहीं चाहिए होता। अब जो इंडियन कंपनी है उसका डायरेक्टर इंडिया का है या बाहर का है? एक कंपनी कहाँ की है? इंडिया की। इंडियन कंपनी है जो रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट है, तो उसका जो डायरेक्टर है बेशक वो इंडिया का है या बाहर का है, दोनों को दिन चाहिए। और एक व्यक्ति जितनी मर्जी कंपनी में डायरेक्टर हो, उसे दिन तो एक मिलेगा, एक ही दिन मिलेगा। वन इंडिविजुअल इज इक्वल टू वन दिन। एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा दिन नहीं मिल सकता। तो बिना दिन अलॉट हुए कोई बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता। वैलिडिटी दिन की जो है वो लाइफ टाइम है, और फॉरेन कंपनी के डायरेक्टर्स को दिन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंडियन कंपनी का डायरेक्टर बेशक इंडिया का है या बाहर का है, उसको दिन लेने की आवश्यकता है। उसके अतिरिक्त एक इंडिविजुअल को एक दिन मिल सकता है। फिर आइए चलते हैं थोड़ी सी आगे, थोड़ा मेन पार्ट पर चलते हैं और आगे आगे। तो मैंने पहले क्लियर कर चुका हूँ मैं आपको कि जो है फास्ट ट्रैक टॉपिक है। और एक बात मत भूलिए कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप जो चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है कि आप और आगे से आगे आपको वीडियो अपलोड करके देते रहें। तो चलिए आगे चलते हैं आपका वक्त जाया ना करते हुए। तो कहते हैं कि एक कंपनी में डायरेक्टर्स कम से कम कितने होते हैं? कम से कम डायरेक्टर कितने होते हैं? एक, दो, तीन। तो ओपीसी में कम से कम एक, प्राइवेट में कम से कम दो, पब्लिक में कम से कम तीन, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते हैं? 15। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं? 15। और 15 से ऊपर क्या चाहिए? एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन। एसआर पता नहीं क्या होता है? सेक्शन 114। वोट जो फेवर में है वो अगेंस्ट का कम से कम तीन गुना। फिर आगे है वीमेन डायरेक्टर्स। हर एक वो कंपनी जो लिस्टेड है उसे वीमेन डायरेक्टर्स चाहिए, और जो कंपनी अनलिस्टेड है और पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगर उसकी पीयूसी यानी पेड अप कैपिटल जो है वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या टर्नओवर क्या है 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके मुताबिक,
पीयूसी 100 है उससे ज़्यादा, टर्नओवर 300 है उससे ज़्यादा, तो उस कंपनी को भी क्या है कि एक वीमेन डायरेक्टर चाहिए। दोबारा देख लो, एक लिस्टेड कंपनी को चाहिए चाहिए, उसके अलावा क्या है पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है, कि पीयूसी कितनी है 100 है उससे ज़्यादा, टर्नओवर क्या है 300 है उससे ज़्यादा, देखने कब की है लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आगे कहते हैं जी अगर वीमेन डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाए, कैजुअल वैकेंसी तो क्या होगा, तो वैकेंसी राइज होने के 3 महीने के अंदर या वैकेंसी राइज होने के बाद जो बीएम आएगी विच एवर इज लेटर, तो कई वैकेंसी फिल की जा सकती है, तो टू बी फिल्ड बाय द बोर्ड, बोर्ड फिल कर सकता है इसे एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा कितना खींच सकते हैं ये जो आने वाली बीएम है या वैकेंसी राइज होने के बाद 3 महीने विच एवर इज लेटर, नॉर्मली क्या होता है अर्लियर, ये याद रखना गलती नहीं करनी आपने, विच एवर इज लेटर तक ये वैकेंसी फिल की जा सकती है। फिर आगे चलते हैं कि रेजिडेंट डायरेक्टर, और रेजिडेंट डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी जो व्यक्ति क्या है कि इंडिया में स्टे करता है पिछले साल कम से कम 182 डेज, एक डायरेक्टर जो पिछले साल इंडिया में कम से कम 182 डेज रहा है उसे हम क्या बोलेंगे रेजिडेंट डायरेक्टर। तो कंपनी के पास कम से कम एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो इंडिया में जिसका स्टे पिछले साल क्या है 182 दिन हुआ हो। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये बाद में कवर करेंगे, इसके लिए मैंने अलग से टॉपिक बना रखा है, इसको अभी रहने देते हैं हम। फिर आगे चलिए, फिर 151 ये है एसएसडी का स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, इसके मैंने समरी बना रखी है, इसको वहाँ से कवर करते हैं हम। ये देखिए बहुत इजी वे में बना रखा है आपके लिए मैंने, कि एक तो क्या है कि हर एक लिस्टेड कंपनी को क्या चाहिए एसएसडी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब पहली बात तो स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कंपनी के 20,000 तक की नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं उसे हम क्या बोलेंगे स्मॉल शेयर होल्डर्स। अब एक कंपनी जो लिस्टेड है उसे एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना ही करना है, कंपनी चाहे स्मॉल शेयर होल्डर्स में से कर ले या कंपनी चाहे बाहर से किसी और को कर दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स में से ही एसएसडी चुना जाएगा, और कंपनी में भी में है, कंपनी चुने चुने कंपनी की मर्जी है, परंतु ये सेक्शन लागू किस पे होता है लिस्टेड कंपनी पे, कंपनी चुने तब भी ठीक है नहीं चुने तब भी ठीक है, कंपनी नहीं चुनती तो क्या है कि जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं वो चुन सकते हैं, पर जो स्मॉल शेयर होल्डर्स चुनेंगे वो संख्या में कितनी होनी चाहिए 1000 या टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स का एटलीस्ट 1/10। मान लीजिए कंपनी के जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है वो 5000 है, 5000 का 1/10 कितना हो गया 500 या 1000 विच एवर इज लेस 500, तो 500 कम से कम स्मॉल शेयर होल्डर्स मिलके अपने में से या बाहर से किसी को भी क्या है एसएसडी बना सकते हैं। समझे। अगर मान लीजिए कंपनी ने भी नहीं अपॉइंट किया, स्मॉल शेयर होल्डर्स ने भी नहीं अपॉइंट किया, तो ये वायलेशन नहीं मानी जाएगी, क्यों मे लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है मे, कंपनी मे अपॉइंट और कंपनी नहीं करती तो स्मॉल शेयरहोल्डर्स मे अपॉइंट, तो वो भी संख्या में कितने 1000 या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयरहोल्डर्स विच एवर इज लेस, तो आपको ये याद रखना है। फिर आगे ये भी याद रखना है कि टेन्योर कितनी है, इसकी ज्यादा से ज्यादा टेन्योर कितनी 3 साल, दोबारा इसको अपॉइंट कर नहीं सकते, एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा एक टाइम पे दो जगह एसएसडी हो सकता है, ये भी याद रखना है। और एसएसडी वही बनेगा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के काबिल है, जो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के काबिल है अंडर सेक्शन 149 वही बंदा क्या है कि यहाँ पे एसएसडी चुना जा सकता है। चल स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो कहते हैं कि एक तो ये क्या है एप्लीकेबल होगा ऑन लिस्टेड कंपनीज को, फिर कहते हैं कि लिस्टेड कंपनी में जो बता रहा था आपको केवल लिस्टेड कंपनी ही क्या है चाहे तो अपने आप चुन सकती है, और अगर स्मॉल शेयरहोल्डर्स चुनना चाहते हैं खुद चाहते हैं कि चलो अपॉइंट कर लिया जाए, तो स्मॉल शेयरहोल्डर्स